जानिब से, मेरे अहले परिवार की जानिब से ईद की पुरखलूस बहुत बहुत मुबारकबाद। मालेगांव शहरियान से मैं कहना चाहूँगी कि ईद की खुशियों को अपने अपने परिवार में एक बांटें, और बाहर जो ईद की जो छुट्टियों में जो बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उनसे गुजारिश करती हूँ कि अपने अपने घरों में ईद की खुशियों को बांटें, अपने अहले परिवार के साथ ईद की खुशियों को बांटें। और हर साल हम सुनते हैं, अल्लाह ना करे हादसात से बचने के लिए हम खुद ही परहेज करें और इस पर अमल करें। मैं सभी हमारे कलमा को भाइयों को, पूरी बिरादरी को और तमाम बिरादरान वतन को दीन की गहराइयों से और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मेरे अहले खाना और मेरे भाइयों की और मेरे परिजनों की ओर से सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के रहम करम से जिस तरीके से रमजान का महीना बाबरकत महीना खुशियाँ लेकर के आता है और तमाम भाई बहन खूब इस महीने के अंदर रोज़ा रखते हैं, नमाज़ी अदा करते हैं, तरावी की नमाज अदा करते हैं और खूब इबादत करते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान में और दुनिया के मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत करे। बरादरान मिल्लत को मेरी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शेख रशीद परिवार ईद की छुट्टियों में ईद मिलन का प्रोग्राम हर साल हम लोग रखते हैं और अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि ये साल भी ईद के दूसरे दिन राष्ट्रवादी भवन आगरा रोड पर ईद मिलन प्रोग्राम रखा गया है शेख रशीद साहब की क्यादत में, सरपरस्ती में, और पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान वहां मौजूद रहेंगे। मेरे परिवार के तमाम ही लोग वहां पे मौजूद रहेंगे। मैं तमाम ही शहर की आवाम से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही लीडरान, तमाम ही कॉरपोरेटर, एक्स कॉरपोरेटर, तमाम ही वर्कर, तमाम ही विंग, तमाम ही नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि ईद के दूसरे दिन ईद मिलन प्रोग्राम जो शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक मुसलसल चलता रहेगा, आप लोग आइए और हम सब मिलकर ईद की खुशियां मनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। मैं लियाकत शहदा, शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से आलम इस्लाम को और बिलखसूस मालेगांव शहर को ईद सईद की पुरखलूस मुबारकबादी पेश करता हूं। और इस ईद के मौके पर छोटी सी अपील मेरी मालेगांव शहर की आवाम से है, वो अपील ये है कि मालेगांव शहर के नौजवान ईद के त्यौहार को मनाने के लिए, सैर व तफरी के लिए अलग अलग शहरों का रुख करते हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि उनका कोई अमल या उनकी कोई गलती ऐसी ना हो जाए जिससे कि उनकी ईद जो बहुत खुशी लेकर के आई है उनकी एक गलती से वो गम में तब्दील हो जाए। ऐसा कोई काम हमारे शहर के आवाम नौजवान ना करें। एक मरतबा फिर से आखिर में मैं लियाकत शहदा, शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मालेगांव शहर को ईद की पुरखलूस मुबारकबादी पेश करता हूँ।